भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु, जहाँ की 2000 वर्षों से भी पुरानी संस्कृति की वजह से इसे दुनिया के सबसे एंशियंट और रिच ट्रेडिशंस के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों के रिच कल्चर और हेरिटेज को आज भी अपने रिचुअल्स और आर्ट्स में संजो कर रखा है। जहाँ हर घर में सुबह का स्वागत करने के लिए रंगोली बनाई जाती है, वहीं मंदिर, आर्किटेक्चर, आर्ट और वीविंग में भी आपको वही रिच कल्चर देखने को मिलेगा। यहीं पर देश के कई खूबसूरत वीविंग आर्ट्स ने जन्म लिया, जिनमें कांजीवरम, आर्नी, कल्याणी, कोनरड, चेट्टीनाड जैसे नाम प्रमुख हैं। सदियों से वीविंग यहाँ के कई गांवों का प्रमुख व्यवसाय है। इस वक्त हम हैं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में, जिस गांव में साड़ी के जो बुनकर हैं, साड़ी बनाने वाले जो लोग हैं वो बसते हैं। यहाँ के हर एक घर में साड़ी बनाने का जो प्रोसेस है, धागे की डाई से लेके वीविंग तक का, वो इस गांव में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में जरूर देखने को मिल जाएगा। कहा जाता है कि देवों के बुनकर महर्षि मार्कंडा के वंशजों ने यहाँ सैकड़ों वर्ष पहले कांजीवरम साड़ी बुनने की शुरुआत की। तभी तो आज भी दुनिया भर में लोग इसकी दिव्य सुंदरता से मंत्रमुग्ध हैं। साउथ इंडियन साड़ियों की एक अलग ही खूबसूरती होती है, एक अलग ही पहचान होती है। उन पे बने जो मोटिव्स और डिजाइंस होते हैं वो दर्शाते हैं यहाँ के ग्रैंड कल्चर को, और उन्हीं डिजाइंस और मोटिव्स की झलक आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ के आर्किटेक्चर में और यहाँ के ग्रैंड टेम्पल्स में। तमिलनाडु में बुने ये खजाने फेस्टिविटी और ऑस्पिशियसनेस के सूचक हैं। महिलाएं इन्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ओकेशंस के लिए संभाल कर रखती हैं, ताकि वो जब भी इन्हें पहने इनकी पवित्रता और मनमोहक खूबसूरती सब तरफ खुशियां बिखेर दे। ट्रेजर्स ऑफ तमिलनाडु कमिंग सून बाय इंडोलॉजी हेरिटेज।